अस्सलाम वालेकुम नाज़िन, मैं हूँ किरण खान। नाज़िन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही खास होने वाला है। अगर मैं खास होने वाला कह रही हूँ तो इसके पीछे यकीनन कोई वजह होगी, और वजह बिल्कुल है। आज मैं जिस हस्ती का जिक्र अपने प्रोग्राम में करने जा रही हूँ, उसके बिना ना तो सुबह होती है ना ही शाम होती है। मैं तो कहती हूँ उसका एक नहीं, उससे ही सारे दिन होते हैं, और वो होती है हमारी माँ। जी नाज़रीन, माँ का दिन जैसा कि सबको पता है मदर्स डे है। तो मदर्स डे, मेरा पर्सनली मानना है कि मदर्स डे यानी माँ का कोई एक दिन नहीं होता, माँ से तमाम दिन होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम माँ के हवाले से बात करेंगे, माँ की शान के हवाले से बात करेंगे, और करेंगे वो बातें जो आप जानना चाहते हैं। आज इसी हवाले से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हाफिज मोहम्मद जमील जमील 3 मरतबा सदारती अवार्ड याफ्ता, और 12 जुबानों में जो है इन्होंने शायरी की है। आप लोगों ने इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है देखा होगा, बहुत अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं और मुख्तलिफ महफिल में भी जाते हैं और अच्छा नाम और मुकाम रखते हैं, और इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। आज माँ की शान के हवाले से ये कुछ जो है कलाम लेकर आए हैं, और वो पेश भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो ज़रूर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं नादिया राजपूत। नाज़िन, इनकी न्यूज़ बुलेटिन, इनके प्रोग्राम्स, इनका एक अच्छा अंदाज, और इसी के साथ साथ इनके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट, वो ये है कि बड़ी ही खूबसूरत जो है सिंगिंग करती हैं। और आज चूंकि माँ का दिन है तो कैसे इनको भूला जा सकता है। आज इनको इसीलिए इन्वाइट किया गया है कि ताकि ये अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और साथ ही साथ हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में माँ के हवाले से एक जो है नगमा भी सुनाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुश आमदीद वालेकुम कहूंगी आपको। सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। आपको जी, सबसे पहले हाफिज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी माँ की शान के हवाले से अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि आज का प्रोग्राम माँ के हवाले से, और जो माँ का लफ्ज़ है वो अपने अंदर ही एक शाइस्तगी है। हम जब माँ प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे अंदर एक एहसासात की लहर दौड़ जाती है। क्या कहते हैं आप? देखें बहन, बात यह है कि माँ का एक ऐसा रिश्ता है ना, जिसको आप जिस पहलू से देखें। सबसे पहले दुनिया में किसी चीज़ की मिसाल दी जाती है कि ये देखें, ये फलां चीज़ फलां की तरह है। माँ का रिश्ता जी ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल ही कोई नहीं। हम कह बेशक सकते हैं जी, फलां भाई की तरह है, फलां बहन की तरह है, और मेरा कज़न मेरे भाइयों की तरह है। बहुत सारी मिसालें दुनिया में हो जाती हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है कि हम बाप को भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर माँ जितना जज्बा पाया जाए। क्या बात है। ऐसा ऐसा ये अनमोल रिश्ता है। और इसकी जो सेल्फलेसनेस है कि इसको कोई मफाद नहीं, कोई लालच नहीं इसको खुद अपनी ज़ात के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बच्चे को हर वक्त जो है वो अपनी सर्विसेज, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, जो कुछ उसके पास है। हाँ, लोग कहते हैं जी मियाँ बीवी घरों में लड़ाई होती है। आप मुशाहिदा करें मेरी बहन, दुनिया में 99.9% लड़ाइयाँ मियाँ बीवी की जो होती हैं, उनमें बीवी अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही होती, मोस्टली वो बच्चों के लिए मांग रही बच्चों होती के ये बहुत खूबसूरत बात है। है। ये जो बात है वो तो कह देते हैं जी, हम दोस्त यार मजाक में कहते हैं जी बीवी बड़ा तंग करती, वो बेचारी अपनी औलाद के लिए लड़ रही होती है, ऐसे उसका स्ट्रगल जो है ना। फिर अल्लाह ताला ने, आपको एक बात बताऊं कि भाइयों की बहनों की मिसाल आपको जो है ना, जो रिश्ते हैं जो दुनिया के, वो किसी जानवरों में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक ऐसे है, ही माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो आपको जानवरों में भी नजर आता है। ये जो वो जज्बा है, यानी जानवर आप नहीं देखेंगे, दो बहन भाई इकट्ठे जा रहे हैं लड़ रहे हैं किसी चीज़ से, लेकिन आप जानवरों में माँ और औलाद का मोहब्बत जो है और उसकी वो उसकी आप एक अपनी देखें। पहचान होती है। उसकी एक अब अपनी ऐसे पहचान है कि माँ जो है वो चोग लेके जा रही है। और आप इस्लामी तारीख पढ़े ना, हमारे उलमाए कराम, हमारे जी जो आइमाए कराम थे, ये वाले स्कॉलर जो थे, जो हमारे फिका के जो इमाम हैं, हमारे इमाम बुनीफा, इमाम शाफी, तो वो जब अपने शागिर्दों में जो मिसाल देते थे ना, जब कि जी फलां उस्ताद ने मुझे इस तरह पढ़ाया है जैसे एक चिड़िया चोग लेके अपने बच्चे को देती है, क्या वहाँ भी बात मिसाल माँ है, की माँ की मोहब्बत की दी मिसाल जा आ रही गई। है। ये इतनी डाइमेंशन है ना जी इसके ऊपर, इस बात में, ये जो माँ का जज्बा है। ऐसे ही फिर एक बात आपको बताऊं कि हम किसी को ये कहते हैं जी कि फलां को मैंने ये दिया है, फलां को ये दिया है, तो माँ ने तो इंसान को, वो इंसान ही माँ ने दिया होता है, क्या बात है। वो अच्छा उसका यहीं वजूद से ही माँ ने दिया है उसको। ऐसे ठीक ही है, है, मैं वो यहीं क्या से उसका रिप्लेसमेंट होते हैं। बिल्कुल मैं यहीं से नादिया की तरफ जाऊंगी और पूछना चाहूंगी। नादिया, आपसे आप बताइएगा, जैसा कि हमें, क्योंकि
वीक में एक दफा हमें ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो हमारी जो मदर्स होती है उनका कोई ऑफ नहीं होता, वो 24/7 काम करती रहती हैं। तो अपनी माँ के हवाले से अगर आपको कुछ कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे? मैं अपनी माँ के हवाले से यही कहूँगी, मदर्स जो होती हैं वो तो होम मेकर्स होती हैं, सारा दिन घर पे होती हैं और उनकी वाकई सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं होती, बल्कि जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद औलाद की भी जब औलाद होती है तो माएँ उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, उनका भी वैसे ही ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे और सबको मेरी तरफ से मदर्स डे। और मैं अपनी माँ के हवाले से ये कहना चाहूँगी, हर इंसान की माँ जो है वो उसके लिए कीमती होती है, ऐसा नहीं है कि शायद मेरी माँ सबसे बढ़कर है, सबकी माएँ दुनिया भर में जहाँ पर भी जिनकी माएँ हैं हर इंसान की मदर उसके लिए एक अच्छा दर्जा रखती है। और मेरी मदर भी मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये होता है कि जो पेरेंट्स में जो फादर होते हैं वो तो जाहिर आपको फाइनेंशली सपोर्ट करती हैं, लेकिन मदर का किरदार इस लिहाज से होता है कि आपका खाना पीना, उसके अलावा आपके कपड़े जूते, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना और मुआशरे में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना कि फ़लाँ बंदे से ऐसे मिलना है, फ़लाँ से वैसे मिलना है, और बहुत सारी चीज़ों में हमें मालूम भी नहीं होता और वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और वो फिर जब हम बड़े होते हैं और जब आगे ज़िंदगी में जाते हैं तो हमें तब महसूस होता है, और वो एक फिर, और बाज़ औक़ात तो वो एक ख़लाअ रह जाता है और फिर इंसान को बाद में शर्मिंदगी भी होती है और शायद इंसान रोता भी है कि मैंने वो उस वक्त को गंवा दिया, शायद उस तरह माँ की कदर नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या नादिया अब भी अपने काम खुद करती है या अम्मी करती हैं उसके काम? क्योंकि माँ जो होती है ना, अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं कभी कोई काम कर भी रही हूँ घर का तो मुझे कहेगी नहीं तुम बैठ जाओ मैं कर देती हूँ, कपड़े सी करने और फिर मैं कर देती हूँ तुम बैठो आराम से, तो क्या नादिया के साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे भी अम्मी बहुत सी जगहों पर सपोर्ट करती हैं और मदद करती हैं, लेकिन अब जो है वो मैं थोड़ा मदर के साथ बचपन से उनके साथ ज़्यादा रही क्योंकि छोटी थी तो वो मैं उनको करीब से देखती थी तो वहाँ से मुझ में एहसास पैदा हुआ, तो मैं बचपन से अपने काम सारे खुद ही करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब कोई गेस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाए तो वो मेरी मदर की एक सपोर्ट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने मुझे सारे काम करना खुद सिखाया, ये भी मेरी माँ का एक बहुत बड़ा किरदार है। इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करूंगा कि मेरी वालदा साहिबा मरहुमा वो आखिरी 10-12 साल ना उनको ऑटोइम्यूनिटी कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया था, तो उसकी वजह से उनकी बहुत बीमार, वो बेड पे रहीं 10-12 साल। तो बड़ी आपको अच्छी बात बताता हूँ कि हम चार भाई हैं तो आप यकीन करें कि मेरी वालदा 10 साल बिस्तर से नहीं उठी, नज़र भी उनकी इंतहाई वीक हो गई थी, तो अंधेरे में रात को हम चार भाइयों में से जो कोई घर से आए, छत पर जाए, नीचे आए, तो मेरी वालदा अपनी बेटी को पास बैठा के कहती थी कि ये जमील क्यों आया नीचे, इसे पूछो शकील क्या हुआ है, क्यों जागा है अभी तक, कदमों की आहट से वो अपने बच्चों कदमों की आहट से, ये बात है। हम चार भाई के किस कदम से चलते हैं ये उन्हें पता था क्योंकि वो माँ थी, वो माँ थी, सही बात है। तो आज जब मदर्स डे आता है तो जमील साहब आप मुझे बताइएगा कि वो माँ की जो कमी है, क्योंकि वो चाहे आपके कोई और रिश्ते हो, जितना आपको प्यार मिल जाए, जितनी आपको अटेंशन मिल जाए, लेकिन माँ का जो रिश्ता होता है बड़ा अनमोल होता है, तो याद आती होगी अभी भी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि जब अवार्ड मिलता है इंसान को, जब कोई इंसान गाड़ी लेता है, कोई अचीवमेंट करता है, इंसान सोचता है कि माँ होती तो किसको बताता, आप मैं किसको बताऊँ, ऐसे उस लेवल का जो है ना कौन है वफादार कोई भी। और जो माँ का दिन है जैसे कि एक दिन मखसूस कर दिया गया, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये दिन मखसूस करना तो चले एक अच्छी बात है ना, एक रिमाइंडर हो जाता है, हम सब लोग अपनी माँ को याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हम दोस्तों में मैं कहता होता हूँ ना कि आप तो एक इतनी बड़ी दाढ़ी वाले और डबल MA और बॉटम वाले मौलवी साहब को जानते हैं, वो मेरी माँ जो है ना वो तो उसको जानती थी ना, वो जो एक दिन का बच्चा है उसको पाल के उसने इतना बड़ा किया। हाँ, वो माँ रिमाइंडर। आपको 3 मर्तबा सदारती अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो आपने जब अभी कहा कि मुझे माँ की याद आती है, तो कभी ऐसा हुआ कि स्टेज में जब पहली बार अवार्ड मिल रहा था उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? जी मैं माँ को याद करता हूँ, माँ को याद करता हूँ, मैंने अर्ज किया है कि कोई भी बड़ी बात होती है, कोई अचीवमेंट होती है, मैं सोचता हूँ माँ होती तो आज उनको बताता, उनको 9-10 साल हो गए बहुत हुए, और जो है ना बड़ा जो है ना वो ये दुख पुराना नहीं हुआ, लोग कहते हैं वक्त जो है जख्म को मुंदम कर देता है, नहीं कर सकता, माँ की माँ बाप का जो दुख है जुदाई का ये इंसान सारी ज़िंदगी जो है ना, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था कि ए दुख बंदे दे मुकदे ना ही ए मुकदे ने मोयों, ये तब ख़त्म होता है जब इंसान मर जाता है, मरने से पहले माँ बाप की जुदाई का तो खत्म। क्या बात है,
सही कह रहे हैं आप। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी नादिया, मेरे ख्याल से ये मैं आपसे पूछूँ, शायद आप मुझे ज़्यादा अच्छे से बता दें, क्योंकि हम लोग तो बाहर होते हैं और बादशाह ऐसा होता है कि हम घर जाते थोड़ा लेट भी हो जाते हैं क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि टाइम भी ऐसा होता है कि कोई फाइनल नहीं, हमें रात को किस टाइम घर पहुँच रहा है। तो अम्मी की जब कॉलें आती हैं या वो पूछती हैं तो कभी इरिटेट हुई, कभी हुआ कि नहीं अम्मी मैं आ रही हूँ थोड़ा सब्र कर दे, तो कभी ऐसा हुआ? क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें गिव एंड टेक नहीं होता, ये एक खूबसूरत सा रिश्ता है। और साथ ही साथ कि जब इंसान खुद, मेरा खुद मानना ये कि जब इंसान पर खुद कोई वक्त आता है तो उसे समझ आती है। तो शायद कल को हम लोग भी अल्लाह करे जब हमारी शादियाँ होंगी और हम अपने घरों में जाएंगे, जब हमारी औलाद होगी, तो शायद हमें वो एहसास हो जाए उस टाइम, इस वक्त हमारी माँ को होता है। तो क्या कहती है? मेरा तो ये है कि मुझे मदर की, फादर की जब भी कॉल्स आती हैं तो मुझे बहुत कम आती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका स्केड्यूल थोड़ा बिजी है, इसका काम ज़्यादा है, तो मुझे दिन में एक कॉल ही आएगी या दो कॉल्स आएंगी, और उस पर फिर मैं चिढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मदर बोलती बहुत कम है, तो वो मुझसे सिर्फ थोड़ा बहुत क्वेश्चन करती हैं कि कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, दैट्स इट। उस पर फिर मैं तंग नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे बहन भाई भी यहाँ नहीं होते, तो मेरी केयर मेरे पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं, तो वही मुझे कॉल करती हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। और ये जो रिश्ता है विदाउट गिव एंड टेक का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह से आप फैमिली भी है, तो कैसा आपका जो है रुझान रहता है इस हवाले से? मैंने अपनी शादी के बाद जी अपनी जो मेरी जोजा हैं उनसे मैंने मजीद कुछ चीज़ों का मुशाहिदा किया है। मिसाल के तौर पे आप यकीन करें कि हम रावलपिंडी में रहते हैं, बहुत सारी दुनिया रहती है। हमारा बच्चा अभी थर्ड ईयर में है, वो कॉलेज गया होता है, जब वो वापस आता है ना तो माँ उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ से पहचानती है कि मैं ये होती है माँ। हालांकि हमारी गली से कोई 2-3 हज़ार मोटरसाइकिल ऐसी है, लेकिन वो जब 12:30, 1 बजे अगर वो घर में हूँ मैं, तो मैं देख रहा होता हूँ कि मोटरसाइकिल उतर कर दिया, और मैं इतना हैरान होता हूँ, मैं तुम्हें कैसे पता चलता है? कहती है बस ये आपको नहीं, मैं फील बयान नहीं कर सकती। मैं मुख्तलिफ जुबानों में लिखा है, मुकम्मल कलाम लिखे हैं माँ के सामने। आज तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी और उर्दू का जो कलाम है मेरा माँ के लिए वो मैं लेके आया हूँ, तो ये आज हमारी नादिया बहन भी पढ़ेंगी। उन्हीं का मोहम्मद जमील जमील का लिखा हुआ कलाम जो है वो मैं इंग्लिश में, ये अंग्रेजी में पढ़ेंगी और मैं उर्दू में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि माँ की बात है तो माँ की बात से हटके बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूंगी कि ये शायरी का जो सिलसिला है, ऊपर से आप हाफिज भी हैं, तो कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? और इसमें भी ये बचपन से है ना, ये भी आज माँ की बात है। वही है, आपको बात बताऊँ, मेरी वालदा जो थी ना वो अल्लामा इकबाल, शेख सादी और इनके ना कलामों की हाफिजा थी। आप यकीन करें कि मेरे कज़न वाइस प्रेसिडेंट थे मुस्लिम कमर्शियल बैंक के, अल्लाह उन्हें बरीके रहमत करे, वो भी फौत हो गया मशीर साहब, वो हमारे घर आते थे जानबूझ के, मेरी अम्मी को ना अपनी चची को इफ्तखार आरफ का शेर अहमद फराज के नाम से सुना। अच्छा। और मेरी अम्मी बेड पे पड़ी होती थी, कहती है नहीं ये उनका असलूब ही नहीं है, ये शेर इफ्तखार आरफ का नहीं है, ये फराज का है। इतनी उन्हें समझ, वो इतनी जिसकी माँ इतनी इल्म अदब की वो हों, तो इसलिए तो मैं शायर बना हूँ। मेरी वालदा, अच्छा आपको ये मदर से, मेरी वालदा अशार शायरी अदब इसमें इतनी थी, हमारा पूरा खानदान आज तक याद करता है, किसी में महफिल में बैठी हुई है और बर महल और बर मौका शाह अशार सुनाती थी, और किसी की जरूरत नहीं थी गलत शेर सुना दे उन्हें, बताती थी ये गलत पढ़ रहे। अच्छा आपको तो मदर की तरफ से ये आदत मिली है ना, तो अक्सर घर में बच्चे होते कहते तुम अपने अब्बू पे गए हो, तो भी नादिया किस पे गई है ये हम जानना चाहते हैं, कभी किसी ने कहा हो तो? मैं शायद मदर पे भी नहीं, फादर पे भी नहीं, क्योंकि उनका जैसे मैं सिंगिंग भी करती हूँ और उसके अलावा पोइट्री और उसके अलावा न्यूज़ एंकर भी हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स में ये चीज़ नहीं थी। मेरे जो फादर हैं वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, और मेरी मदर जो है वो शी इज़ होम मेकर, तो लेकिन मुझ में ये चीज़ बस अब कैसे आ गई, सोसाइटी से आई शायद, सोसाइटी से, और शायद ये इंस्टिंक्ट है, एक इंस्टिंक्ट है अल्लाह पाक की तरफ से, कुछ चीज़ें जैसे हम कहते हैं जबिलत है, जो अल्लाह पाक की तरफ से आपको पहले से दे दी जाती हैं, तो शायद ये उनमें से कुछ है। जी बिल्कुल ठीक बात है। अल्लामा इकबाल साहब के वालिद साहब शायर तो नहीं थे, लेकिन अल्लामा इकबाल जैसा बड़ा शायर ऐसे ही, लेकिन देख ले आप में ये बड़ी खास बात है कि आपकी मदर भी है जो इस तरफ थी और आप भी इसी तरफ आए। बिल्कुल, वो लिखती नहीं थी शायरी, लेकिन सब उन्हें इल्म अदब की सब उन्हें समझती।
यानी आप अपनी मदर को अपना एक आइडियलाइज करते हैं और उन्हीं को सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल कुरान और हदीस की वो बहुत बड़ी आलिमा थी, सब कुछ समझाती थी, बिल्कुल कोई शुभ नहीं, मेरी माँ का बड़ा किरदार है। चलिए नाज़िम, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तेरी गुरी थम थम के ब्रेक। नाजरीन, आज जैसा कि आपको मालूम है कि माँ की शान के हवाले से बात हो रही है और मदर्स डे के हवाले से बात हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद है बड़ी इंटेलेक्चुअल, और उनकी गुफ्तगू से आज समा बन गया, मज़ा आया, इंजॉय किया हमने। और अभी चूँकि हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने मेहमानों से कि आज जो उन्होंने खास शायरी नगमा जो तैयार की है माँ के हवाले से तो हमें सुना दे, प्लीज आगाज कीजिएगा। जी मैं आगाज करती हूँ। टू मच शी डिजर्व टू बी लव्ड एंड सर्व्ड, एवरी मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़ कर खिदमतों की प्यार की हकदार है, जो भी माँ है एक मिसाली बेहतरीन किरदार है। She brought me up with lot of care and tenderness and saved me from everything which could be venomous. उसने पाला मुझको चाहते और तवज्जो से बड़ी, उसने पाला मुझको चाहत और तवज्जो से बड़ी, और बचाया मुझको आफत से जो थी सर पर खड़ी। She tried her best much to look like she was very happy. She never told us that time was difficult and ways were scrappy. वो दिखावा करती रहती सुख का इत्मीनान का, वो दिखावा करती रहती सुख का इत्मीनान का, हर अलम मख़फ़ी रखा जीवन के इम्तिहान का। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने जो है ये नगमा सुनाया माँ के लिए, और मैं तो खो ही सी गई थी इसके बीच में, बहुत मजा आया। और आखिर में माँ के लिए एक छोटी सी लाइन क्या कहेंगी आप? नादिया, मैं तो ये कहूंगी, वो एक शेर है, मैं पहले भी मेंशन किया था, वो कहते हैं कि पाई पाइया दा दर्द वंडांदे, पाई पावां पाइया दियां बावां,
ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਜੋ ਛਾਂ ਹੈ ਵੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ, ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਵੋ ਛਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਵੋ ਸਾਇਆ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਪੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋ ਵੋ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਜਬ ਮਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋ, ਉਸ ਗੋਲ ਕੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਕੀ ਮਾਓ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਯਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਓ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਓ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਿਮਤ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮੋਲ ਔਰ ਇਸਕੀ ਕੋ ਤੋ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਭ ਮਾਓ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਮਾਏ ਹੈ ਸਭ ਮਾਓ ਕੋ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਦੀਆ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੜੇ। ਜੀ ਬਸ ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾ ਦਾਮਨ ਹੋ ਮਾਂ ਕੀ ਛਾਂ ਹੋ ਧੂਪ ਡਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਲਾਨੇ ਸੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਵੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਨਾਦੀ, ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਕਭੀ ਅਲਗ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਭੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਬ ਮਾਂ ਹਮਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਕਿ ਮਾਂ ਹਮਸੇ ਕਭੀ ਜਬ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਗਾਓਂ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ, ਤੋ ਹਮ ਉਹਨੇ ਮਿਸ ਕਰਤੇ, ਯਾਦ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਬ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਉਨਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਤਾ ਜਿਨਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਕੇ ਬਗੈਰ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਰਾਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੀਛੇ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਜੋ ਹਮੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆਗੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਵੋ ਹਯਾਤ ਹੈ ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਮ ਲੋਕ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਹਮ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕੀਆ ਹਮ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਹਮ ਲੋਕ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਨਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੀਜੀਏਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੇਰੀ ਗੁਰੀ ਥਮ ਥਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਹਸੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਨਾਨਾ।